गुड मॉर्निंग सुप्रभात, आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ के संबंध में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी साक्षर इंसान को जानना चाहिए, जो विधि से अवेयर होना चाहते हैं, जो लॉ से अवेयर होना चाहते हैं, या अपने अधिकार के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, उसको खास करके संविधान की मूलभूत ढांचा यानी आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटी है और आपका जो फंडामेंटल राइट है, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे एक छोटे से क्लिप के माध्यम से इस इम्पोर्टेंट जानकारी को आपके ब्रेन में हम एडजस्ट कर सकें। अगर आप नए हैं तो निश्चित रूप से आप इनको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपका जो है धीरे धीरे ज्ञान का वर्धन होता रहे और मुझे भी आपसे प्रेरणा मिलती रहे। विधि की शासन की अगर स्रोत की बात की जाए तो आप जानते हैं कि ब्रिटेन जो है संसदीय प्रणाली की जननी है, और वहीं से बहुत सारे चीज़ ऐसे अडॉप्ट किए गए हैं जो कि अच्छा लगा। तो विधि के शासन का शाब्दिक अर्थ ये है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष जो है समानता होगा, समता होगी, यानी कानून जो है किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे भेद के आधार पर हो, या किसी भी आधार पे हो, कानून जो है सर्वोपरि होगा। यानी जो भी चीज़ होंगे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी कानून के अंदर होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आपके जो फंडामेंटल राइट हैं और फंडामेंटल ड्यूटी हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के क्रम में आज हम लोग अनुच्छेद 14, हमारे संविधान का जो है अनुच्छेद 14, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी में कहा गया है समानता, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता। उसके बाद है कि प्रोटेक्शन भी, कानून का संरक्षण भी हर किसी को प्राप्त हो, ये हमारे संविधान की विशेषता है। आप जानते हैं कि जितने भी लोकतंत्र हैं वो क्या करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन पे ही टिका होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे ही उनकी जो है सारी स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होती है। तो इसी के संदर्भ में अनुच्छेद 14, और मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 14 से लेके 21 तक आपको हर हाल में जानकारी होनी ही चाहिए, चाहे वो YouTube के माध्यम से हो, Google के माध्यम से हो, किताब के माध्यम से हो, अपने गुरुदेव के माध्यम से हो, किसी न किसी माध्यम से 14 से 21 तक आपको जानकारी निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। और जब ये जानकारी हो जाएगी तो आप इंटरनली बहुत ज़्यादा प्लीज्ड होंगे, क्योंकि आप अपने फंडामेंटल राइट को जान पाएंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 में इस बात की चर्चा की गई है कि कानून सबके लिए समान होगा। संपूर्ण भारत में जितने भी लोग हैं उसमें कहीं भी कोई विभिन्नताएं नहीं होगी, कानून के समक्ष, कानून की छत्रछाया में सभी समान होंगे, सब पर समान कानून लागू होगा। अगर मैं अपवाद की चर्चा करूं तो उनका स्ट्रक्चर जो है, संवैधानिक स्ट्रक्चर, वो अलग अलग है। ये लोकतंत्र है, आप जानते हैं अपना लोकतंत्र जो है कठोर भी है, लचीला भी है। तो लोकतंत्र की महिमा जो है शब्दों से व्याख्या नहीं की जा सकती है। संविधान का उद्देश्य है कि समाज के सबसे निचले वर्ग, यानी समाज के जो सबसे निचले वर्ग हैं, उनके पास तक भी न्याय हो, न्याय पहुँचे, किसी का कोई शोषण नहीं हो, यानी न्याय सबके लिए हो। तो लॉ बिफोर इक्वलिटी बिफोर लॉ का सेंस यही है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अनुच्छेद 14 के संबंध में जब कभी आपके ब्रेन में आए तो इसी बात को याद रखेंगे कि कानून के समक्ष समानता। उसके बाद है आपको संरक्षण भी, कानून का संरक्षण भी प्राप्त हर इंसान को है संपूर्ण देश में। आप जानते हैं अगर हम इतिहास के पन्ने में चले तो पहले क्या था, समाज अनेक वर्ग में बटे हुए थे, कुलीन वर्ग, मजदूर वर्ग, सामंत वर्ग, और सभी का अधिकार अलग अलग विभाजित था। एक के अधिकार में दूसरा अगर इंटरफेयर करता तो उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था थी। इसी को तोड़ने के क्रम, इसी के चलते ये भी हुआ था, छुआछूत आया था, जातिवाद आया, भेदभाव आया, अनेक तरह की कुरीतियाँ उत्पन्न हुई। उसी को देखते हुए हमारे विद्वान ने इसको एडॉप्ट किए और इनको लागू किए, विधि का शासन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आशा करते हैं आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।